दृष्टि पीसीएस के पीसीस एंड शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तैयार और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ को बढ़ावा देने की घोषणा की। इसके लिए विभाग ने 126 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी दी है। तो चलिए जानते हैं कि कृत्रिम रीफ क्या है। कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ एक प्रकार का उपकरण होता है जो महासागर या समुद्री जीवन के लिए स्थायी और सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए समुद्र के तल पर या उसके नीचे स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री जीवन के लिए जगह प्रदान करना होता है जिससे वे विकसित हो सकें, प्रजनन कर सकें और सुरक्षित रूप से जीवन जी सकें। इन्हें मुख्य रूप से पूर्वी तटों के पास जहां प्राकृतिक रीफ्स कम होते हैं या समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में बनाया जाता है। कृत्रिम रीफ का निर्माण विभिन्न सामग्रियों से किया जा सकता है जैसे जल संचारण ट्यूब, पुराने जहाज, टैंकर और सिंगुलर ब्लॉक्स। कृत्रिम रीफ परियोजनाओं को भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण यानी FSI और ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल रीफ के क्या लाभ हैं। तो कृत्रिम रीफ का निर्माण और उपयोग विभिन्न प्रकार से समुद्री पर्यावरण और मानवों को विभिन्न लाभ प्रदान कर सकता है जैसे समुद्री जीवन के लिए आवास का प्रदान करना। कृत्रिम रीफ मानव जीवन को समुद्री तटों के खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये रीफ तट संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और तटीय समुद्र की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव कम करते हैं। ये रीफ्स पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं जिससे स्थानीय आर्थिक विकास हो सकता है। इसके अलावा कृत्रिम रीफ समुद्री संरक्षण के उपाय के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। और अब आखिर में जानते हैं PMMSY योजना के बारे में। तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इसे मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है, पहला, मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने और ट्रेसिबिलिटी को बढ़ाना, और दूसरा, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना। इस योजना में अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपए है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए है। इसका लक्ष्य 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। इसके अलावा 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए करना है। चलिए, वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, कृत्रिम रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक मानव निर्मित संरचना है जो प्राकृतिक रीफ की विशेषताओं की नकल करती है। और कथन दो है, इसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और आवास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।